राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं। इनके अध्यक्ष, अध्यक्ष, महापौर और सभापति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका गठन, कार्यकाल, शपथ और त्याग पत्र और प्रमुख प्रशासनिक पद, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 15+ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, उनसे संबंधित जो डिटेल है हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था नगर निकाय के अंतर्गत नहीं आती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिला परिषद। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये सभी नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाली संस्था है, जबकि पंचायत के अंतर्गत आने वाली संस्था है जिला परिषद। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम मद्रास में बना, कहां बना? मद्रास में। यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम बना था मद्रास में 1687 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां पर की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। राजस्थान में सर्वप्रथम माउंट आबू में 1864 में नगर पालिका की स्थापना की गई। उसके बाद 1866 की बात करें तो 1866 में अजमेर में, और 1867 में यानी एक साल बाद ब्यावर में। उसके बाद 1869 में यानी 1869 में जयपुर में की गई। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर राजस्थान की पहली निर्वाचित नगर पालिका थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की पहली निर्वाचित नगर पालिका कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ब्यावर। अजमेर में 1866 में नगर पालिका की स्थापना हुई और माउंट आबू में 1864 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नगर निकाय संस्थानों को, इन संस्थाओं को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9A में। यानी भाग 9A में नगर निकाय संस्थाओं को संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन आया 1992 में जोड़ा गया, लागू किया गया था 1 जून 1993 में, यानी एक साल बाद के करीब लागू किया गया था इस संविधान को। यानी संविधान में जो संशोधन हुआ उसको लागू किया गया था, संविधानिक दर्जा दिया गया था नगर निकायों को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया, अनुसूची थी 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो कुल अनुच्छेद है 18, जिनमें 243 पी से लेकर और 243 जेड जी तक, यानी कुल 18 आर्टिकल हैं जिनमें नगर निकायों का वर्णन किया गया है। संविधान की अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 12 और भाग है 9A, इसमें जोड़ा गया है नगर निकायों संस्थानों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित वर्ष नहीं है, यानी किस वर्ष में नगर पालिका अधिनियम पारित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1994 में। 1991 में भी नगर पालिका अधिनियम आया, 1959 में भी और 2009 में भी, ये लेटेस्ट है। ये सभी नगर पालिका अधिनियमों से संबंधित है। स्वतंत्रता के बाद नगर पालिका अधिनियम सर्वप्रथम 1951 में आया था। उद्देश्य क्या होता है? नगर पालिकाओं की घोषणा करना, यानी अधिनियम बनते हैं तो इनका उद्देश्य होता है नगर पालिकाओं की घोषणा करना। नगर पालिका की घोषणा करना यानी नई नगर पालिकाएं बनाना, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व और राजस्व आय यानी राजस्व प्राप्त करना,
राजस्व आय प्राप्त करने, ये प्रमुख उद्देश्य रहते हैं जो नगर पालिका अधिनियम आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नगर पालिका का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, यानी नगर पालिका होती है उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिशासी अधिकारी, यानी अधिशासी अधिकारी जिसको जो एक नगर पालिका का प्रशासनिक अधिकारी होता है। बात करते हैं नगर पालिका के बारे में, जिसकी राजनीतिक संरचना की बात करें, राजनीतिक संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद, ये राजनीतिक रूप से इस पद होते हैं नगर पालिका में। बात करते हैं अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से उपाध्यक्ष चुने जाते हैं अध्यक्ष और पार्षदों द्वारा। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता ही है, यानी नगर निकाय हो या पंचायत, ग्राम पंचायत समितियां हो, उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। नगर पालिका का प्रशासनिक अधिकारी होता है अधिशासी अधिकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नगर पालिका सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिला कलेक्टर यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नगर पालिका सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा चुने गए किसी भी अधिकारी के द्वारा नगर पालिका सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। त्याग पत्र की बात करें तो आपस में ही अपना त्याग पत्र देते हैं, पार्षद और उप मुखिया मुखिया को देते हैं और मुखिया उप मुखिया को देता है। गठन की बात कर लेते हैं एक बार, गठन की बात करें तो 20,000 से, 20,000 जनसंख्या से 1,00,000 के मध्य जनसंख्या होती है और कुल 13 वार्ड बनाए जाते हैं। कितने वार्ड बनाए जाते हैं? 13। 20,000 से 1,00,000 के मध्य जनसंख्या हो वो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं और कुल 13 वार्ड बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नगर परिषद में अधिकतम जनसंख्या कितनी हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5,00,000 से कम या 5,00,000 तक। नगर परिषद में जनसंख्या की बात करें तो नगर परिषद में 1,00,000 से अधिक, यानी 1,00,000 से अधिक होनी चाहिए और 5,00,000 तक ये नगर परिषद की बात है। नगर पालिका की बात करते हैं, नगर पालिका में जनसंख्या होती है 20,000 से 1,00,000 तक, और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में होती है 5,00,000 से अधिक, यानी 5,00,000 से अधिक। नगर पालिका सबसे निचला स्तर होता है नगर निकायों में, जिसमें 20,000 से 1,00,000 तक के मध्य जनसंख्या होती है। नगर परिषद में 1,00,000 से 5,00,000 के मध्य होती है और 5,00,000 से अधिक नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नगर परिषद को के प्रशासनिक पद को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुक्त। नगर निगम में जो प्रशासनिक पद होता है उसे आयुक्त कहा जाता है। नगर पालिका में होता है अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद में आयुक्त और नगर निगम में भी आयुक्त ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नगर परिषद की संरचना में शामिल पद नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, महापौर, सभापति, उपसभापति और पार्षद, ये नगर परिषद की संरचना है। इसमें राजनीतिक पद होते हैं सभापति, अध्यक्ष होता है, उपसभापति, उपाध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं पार्षद। राजनीतिक रूप से प्रमुख होता है सभापति नगर परिषद का, यानी राजनीतिक रूप से इनका चुनाव किया जाता है और आपस में ही अपना त्याग पत्र देते हैं। राजनीतिक रूप से नगर परिषद का प्रमुख होता है सभापति। पदेन सदस्यों की बात करें,
पदेन सदस्य, क्योंकि इनकी बैठकों में एमपी और एमएलए, एमपी एमएलए भी शामिल होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं जो नगर परिषद के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नगर निगम का राजनीतिक रूप से प्रमुख कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महापौर। महापौर नगर निगम का राजनीतिक रूप से प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है नगर निगम का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष होता है उप महापौर, उप महापौर। और सदस्य की बात करें तो सदस्य होते हैं पार्षद। ये होती है राजनीतिक संरचना नगर निगम की, अध्यक्ष होता है महापौर, उपाध्यक्ष होता है महापौर और सदस्य होते हैं पार्षद। राजनीतिक रूप से चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से होते हैं। पदेन सदस्य की बात करें तो एमपी एमएलए यहाँ भी पदेन सदस्य होते हैं, शपथ दिलाई जाती है कलेक्टर द्वारा, यानी जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है नगर निगम सदस्यों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नगरीय संस्थानों में, यानी संस्थाएं हैं जिनमें उम्मीदवार है तो आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए नगर निगम संस्थाओं में चुनाव लड़ने हेतु। ये आर्टिकल 243 वी के अंतर्गत नगरीय संस्थानों में उम्मीदवार हेतु आयु का निर्धारण किया गया है। आर्टिकल सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल द्वारा नगरीय संस्थाओं में उम्मीदवार की आयु का निर्धारण किया गया है, तो आर्टिकल होगा 243 वी। योग्यताएं हैं, योग्यताओं में पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, आयु 21 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो इत्यादि, ये प्रमुख योग्यताएं होती है उम्मीदवारों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नगरीय संस्थानों का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 साल। नगरीय संस्थानों का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 यू, यानी 243 वी में योग्यता है और यू की बात करें इसमें कार्यकाल है। नगरीय संस्थाओं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव आ सके, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर ही चुनाव कराने पड़ते हैं और वो चुनाव शेष कार्यकाल के होते हैं, न कि 5 वर्ष के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिकल 243 क्यू के तहत नगरीय संस्थाओं के कितने स्तर उल्लेखित किए गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 स्तर बताए गए हैं। यानी आर्टिकल 243 क्यू के तहत नगरीय संस्थानों के कितने स्तर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 स्तर। 3 स्तर कौन से हैं? नगर पालिका, नगर पालिका को हम पंचायत भी कहते हैं, पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ये 3 स्तर हैं जो आर्टिकल 243 के तहत उल्लेख किया गया है इनका, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इनको आर्टिकल 2 संविधान के आर्टिकल है 243 क्यू के तहत उल्लेखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। वार्ड समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्ड समिति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 243 एस। आर्टिकल 243 एस के तहत वार्ड समिति का गठन किया जाता है। वार्ड समिति के गठन की बात करें तो नगर निकाय की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, यानी जिस नगर निकाय की जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो और जो नगर निगम बनने की योग्यता रखते हो, तो वहां पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। वार्ड में स्वच्छता बनाए रखना इसका कार्य होता है, पार्कों का रख रखाव, सड़क विद्युतीकरण। अध्यक्ष होता है वार्ड पार्षद, यानी वार्ड समिति का तो वार्ड पार्षद ही अध्यक्ष होगा और इनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक होनी चाहिए।
तब वार्ड समिति बनाई जाएंगी और 243 एस में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 15, नगरीय संस्थाओं के सदस्यों को पद कितनी बैठकों में भाग नहीं लेने पर रिक्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए कि नगरीय संस्थानों का पद भी रिक्त होता है यदि वो बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बैठक। यदि 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाता है, यानी नगरीय संस्थानों के जो सदस्य हैं जिनका चुनाव होता है उनका पद रिक्त हो जाता है 3 बैठकों में भाग नहीं लेने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग सर्वप्रथम किस नगर पालिका में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांगरोल में। मांगरोल राजस्थान के 12 जिले में पड़ता है, 12 जिले में पड़ता है मांगरोल नगर पालिका। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? राइट टू रिकॉल में जनता 3/4 बहुमत से सदस्यों द्वारा, यानी सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार है जनता को। राजस्थान में सर्वप्रथम 2012 में राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया। उस समय नगर पालिका का अध्यक्ष था अशोक जैन, यानी मांगरोल नगर पालिका का अध्यक्ष था अशोक जैन 12 का। जनता द्वारा पक्ष में, यानी 3/4 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन जनता ने अशोक जैन के पक्ष में मतदान किया था। तब पद पर बने रहे थे अशोक जैन, पद से नहीं हटाया गया था अशोक जैन को, लेकिन राइट टू रिकॉल का सर्वप्रथम प्रयोग मांगरोल पारा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन किन स्रोतों से नगरीय संस्थानों में आय प्राप्त होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी विज्ञापन होर्डिंग से, भूमि को लीज पे देना, शहरी विकास कर लगाना, ये सभी कर है, इनसे नगरीय संस्थाओं को, यानी संस्थान नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है। इसका उल्लेख 243 ZD के अंतर्गत किया गया है, यानी आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत किया गया है। कुल सदस्य 25 सदस्य होते हैं, उनको डिवाइड करें तो पद 2 सदस्य होते हैं, पदेन कितने होते हैं 2। राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं 3। 20 सदस्यों की बात करें, 20 सदस्य में ग्रामीण में 16, यानी 80% जनसंख्या पर ग्रामीण में 16 सदस्य होते हैं और शहरी में होते हैं 4 सदस्य। कुल मिलाकर 25 सदस्य होते हैं जिला आयोजना समिति में। इसका कार्य क्या होता है? शहरी व नगरीय संस्थानों के मध्य जो टकराव विवाद है उनको निपटाना, विकास योजनाएं बनाकर राज्य सरकार को पेश करना, ये प्रमुख कार्य होते हैं जिला आयोजना समिति के। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहती हैं, तो उनको लेके आते रहेंगे। बहुत डीपली लेके आए हैं हम, इससे बाहर क्वेश्चन नगर निकायों से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सभी संविधान के आर्टिकल, पद, प्रशासनिक पद, योग्यता, गठन, कार्यकाल, सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है क्वेश्चनों के माध्यम से। इसमें क्वेश्चन 18 है, लेकिन उसके साथ बहुत सी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। यदि आपको PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।